you. How are you? Fine. Today we are going to start the next part of how do organisms reproduce. I already told you about that sexual and asexual reproduction, how organisms reproduce, why reproduction is important for us, for the survival of life on the earth. Next, sexual reproduction in plants. जो हमारे प्लांट में मेन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव है, दैट इज मेन इज फ्लावर. द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट इज फ्लावर. द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर कौन कौन से पार्ट्स होंगे? रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर. ये हमारा पूरा फ्लावर है. फ्लावर में जितने भी कलर लीव्स हैं, कलर लीव्स आर नोन एज पेटल्स. कलर लीव्स को हम कहेंगे पेटल्स, कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. जब ये पूरा कलर लीव्स का एक ग्रुप बन जाता है, दैट ग्रुप इज नोन एज कोरोला. ए ग्रुप टुगेदर ऑफ कलरफुल लीव्स नोन एज कोरोला. रिसेप्टिकल्स, जो हमारे फ्लावर का एक ग्रीन कलर का बेस है, दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल सेपल्स, जो यहाँ बेस में ग्रीन कलर्स की लीव्स निकली रहती हैं, दैट आर नोन एज सेपल्स. पूरे फ्लावर्स को जो बेस प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर की लीव्स, सेपल्स. व्हेन दे ग्रुप टुगेदर, दैट इज नोन एज कैलक्स. दैट इज नोन एज कैलक्स. ए ग्रुप ऑफ ग्रीन लीव्स नोन एज कैलक्स. पेटल्स, कलरफुल प्लांट्स हो गए. ये बेस हमारे रिसेप्टिकल्स, सेपल्स, कोरोला. नाउ स्टेमन, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है. स्टेमन के मेनली टू पार्ट्स है, लाइक दैट. ये फिलामेंट है एंड दैट इज अ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन, ये स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट इज अ फिलामेंट. और यहाँ पे पोलन ग्रेन, दैट इज द मेल गैमेट्स, नोन एज पोलन ग्रेन. ये सेंटर में हमारा कार्पेल फर्स्ट, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स होते हैं. ये मेनली थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स होते हैं, दैट आर नोन एज द फीमेल गैमेट्स. एग्स और ओव्यूल्स आल्सो नोन एज ओवा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसकी टू पार्ट्स है, फिलामेंट एंड पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल गैमेट्स. ओव्यूल्स, ओवा, नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. हाउ कैन रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट्स? प्लांट्स फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट है, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के अंदर छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स स्टोर है, दैट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैग लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एंथर. ये कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल और वेरी, जिसके अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्स और ओवा. दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्स और ओवा. सबसे पहले क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, आउटर फैक्टर की वजह से, इंटरनल की वजह से, यहाँ जब मैच्योर होंगे दे विल बी फेल डाउन ऑन द स्टिग्मा. ये यहाँ आ जाएंगे. जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से ये एक्स के कॉन्टेक्ट में आएंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, नोन एज पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, नोन एज पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज मेनली टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ, जब एक ही फ्लावर के अंदर
पोलन ग्रेन्स भी होंगे और कार्पल भी होगा। तो पोलन ग्रेन्स किसी भी रीजन से कार्पल पर गिर जाएंगे और सेम फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा, डेट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर्स ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन द अनदर प्लांट। अगर एक फ्लावर एक प्लांट पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है, तो बाय द विंड, बाय द वेक्टर्स, बाय द वॉटर, बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय द हेल्प ऑफ बर्ड्स, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर नोन एज क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। अगर इनसाइड सेम प्लांट सेम फ्लावर क्रॉस दो डिफरेंट फ्लावर्स के बट फिर होता है, डेट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। जब एक मेल गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन्स फ्यूज होता है फीमेल गैमेट्स विद ओवा, तो फॉर्म में जायगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जायगोट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द सीड्स, एम्ब्रियो सैक, ये पूरा हमारी ओवरी के अंदर जहाँ पे जायगोट फॉर्म होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ओव्यूल शेप सेल्स कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तीन चीजों का मिलना, द फ्यूजन ऑफ वन मेल, एक मेल गैमेट्स और दो फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और जब एक फीमेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होंगे, दैट फॉर्म द जायगोट। जब ये दोनों ही प्रोसेस कंबाइन इकट्ठे चलती हैं, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। दो पोलन ग्रेन है और वन फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट है और टू पोलर न्यूक्लियाई यानी टू एक्स है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। जायगोट कैसे बना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट, दैट इज अ जायगोट। जब ये दोनों कलेक्टिवली होंगे, व्हेन टू फ्यूजन सिंगामी इट मींस फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स, जो हमारे ओव्यूल्स हैं, दे विल बी कन्वर्ट इनटू सीड्स। सीड्स आर द इनिशियल स्टेज ऑफ अ प्लांट दैट गेट द फेवरेबल कंडीशन एंड चेंजेस इनटू अ न्यू प्लांट, तो दैट इज अ कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। अगेन आई रिपीटेड, फर्स्टली फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, उसके कलर लीव्स हैं, दैट इज नोन एज पेटल्स, पेटल्स का एक ग्रुप बनता है, दैट इज नोन एज कोरोला। जो ग्रीन लीव्स हैं, दैट इज अ बेस, ग्रीन लीव्स इज नोन एज अ सेपल्स, सेपल्स का एक ग्रुप बनेगा, दैट इज नोन एज कैलेक्स, कैलेक्स के नीचे जो पेटल्स का बेस है, दैट इज नोन एज रिसेप्टकेल। सेंटर में क्या है फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज नोन एज द कार्पेल एंड पिस्टिल एंड मेल गैमेट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन के पास भी दो चीजें हैं, फिलामेंट और पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर जो प्रोटेक्टेड है वो, और पिस्टिल इज अ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के थ्री पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कंसिस्ट है। जैसे ही पोलन ग्रेन किसी भी रीजन से स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा पर आएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन इज टू टाइप, फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ, जब एक सेम फ्लावर के अंदर स्टेमन से पोलन ग्रेन आएंगे स्टिग्मा पर, दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। और जब डिफरेंट फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस होगा, दैट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएंगे, दे विल बी पास टू द ओव्यूल्स एट, ये पोलन ट्यूब क्रिएट होगी फेवरेबल कंडीशन जब इन्हें मिलेगी, यहाँ से पोलन ग्रेन आएंगे और इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। जब दो पोलन ग्रेन्स एक
एक पोलन ग्रेन दो एक्स के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, उसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। जब एक मेल गैमेट कम कॉन्टेक्ट विद अ फीमेल गैमेट दैट इज फॉर्म द जायगोट, जायगोट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अ बेबी दैट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जायगोट की डेवलप फॉर्म है एंड दैट कंप्लीट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ओव्यूल शेप सेल्स कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। ट्रिपल फ्यूजन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, सिंगेमीजाइगोट फॉर्मेशन हो गई। जब ये दोनों प्रोसेस कलेक्टिवली इकट्ठे होंगी दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स विल बी फॉर्म, सीड्स विल गेट द फेवरेबल कंडीशन एंड चेंजेस इनटू द न्यू प्लांट्स, दैट इज द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू।